नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ। मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कांग्रेस पार्टी में ये राहुल युग का आगाज है। जी हां, कई सेट नॉमिनेशन के, 80 सेट और सब में 10-10 प्रस्तावक। अभी कुछ सेट दाखिल कर लिए गए हैं, नामांकन की प्रक्रिया जारी है। माना जा रहा है कुल 90 सेट दाखिल होने हैं, तो लगभग 2 घंटे का वक्त अभी लगेगा इसमें। यानी समझ लीजिए कि लगभग 1.5-2 बज सकते हैं इसमें। कुल 90 सेट दाखिल होने हैं, जिसमें शुरुआती कुछ सेट्स दाखिल किए गए हैं। तमाम दिग्गज प्रस्तावक बन रहे हैं राहुल गांधी की तरफ से, जिसमें शीला दीक्षित से लेकर मोहसिना किदवई से लेकर कमलनाथ, अहमद पटेल, नारायण सामी, अशोक गहलोत सभी शामिल हैं। अशोक सिंघल हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, सुधांशु त्रिवेदी जी, प्रियंका चतुर्वेदी जी हमारे साथ बने हुए हैं, और दो खास मेहमान आलोक मेहता जी और उर्मिलेश जी स्टूडियो में लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन सबसे पहले अशोक सिंघल, आपके पास आते हुए, कई दिग्गज ऐसे भी हैं जो प्रस्तावक बनने के बाद अब वहां से निकल रहे हैं। आज जोश जुनून, हालांकि ये कहानी तो अब कांग्रेस पार्टी की कई दिनों से है कि राहुल पर शुरू राहुल पर खत्म, लेकिन सोनिया गांधी हमेशा साथ रहती थी। क्या आज कोई वजह बताई गई है? क्या तबीयत इतनी खराब है कि वो कांग्रेस दफ्तर तक नहीं आ पाए? अरे यू हैड डेंगू, क्या हुआ? सोनिया क्यों नहीं आई? ये कहना कोई जरूरी नहीं था, ये कहा जा रहा है क्योंकि एक ये मैसेज भी ना जाए, ये भी एक कोशिश की गई डिस्टेंस बनाने की कि उनकी मौजूदगी डायनेस्टी पॉलिटिक्स को लेकर जो बीजेपी सवाल उठाती रही है, बाकी लोग उठाते रहे, वो भी एक दिखाने की कोशिश थी कि ऐसा मैसेज ना जाए कि बेटे के माँ के बाद बेटे के ऊपर अध्यक्ष पद सौंप दिया गया है बेटे को, तो वो एक डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश की गई। राहुल गांधी हालांकि जब तुगलक लेन से अपने घर से चले तो सोनिया गांधी से मिलने गए थे, अपनी माँ से मिलने गए थे, 10 जनपद से वो कांग्रेस मुख्यालय आए अंजना, लेकिन ये मैसेज जरूर दिखाने की कोशिश की कि सोनिया मौजूद ना रहे, लेकिन क्योंकि उनके सिग्नेचर जरूर हुए उनके नॉमिनेशन पेपर पे, तो एक कहीं ना कहीं मैसेज था कि भाई उनकी मौजूदगी से कहीं ये मैसेज ना चला जाए कि माँ के बाद बेटे को ट्रांसफर हो गई उनकी सत्ता। तो ये एक कहा जा रहा है कि राजनीतिक गलियारों में और कांग्रेस में कि कहीं ये दिखाने की कोशिश थी कि वो दूर हैं, बाकी लोग पार्टी के लोग उनको नॉमिनेशन उनका फाइल करवा रहे हैं, वही लोग इलेक्ट करेंगे, पार्टी उनको चुनेगी अध्यक्ष पद के लिए। हालांकि सबसे पहले इंटरेस्टिंग चीज़ मैं अंजना जो बता रहा था, कांग्रेस मुख्यालय के चारों तरफ राहुल गांधी के अध्यक्ष चुने जाने की बधाइयां दी गई हैं। अभी से मान लिया गया कि वो अध्यक्ष चुन लिए गए हैं, हालांकि पहले से पार्टी में कोई विवाद नहीं था उनके अध्यक्ष बनने को लेकर के। जहां यहां कार्यकर्ता भी देख सकते हैं कितने दूर दूर से कार्यकर्ता हैं। आपको लगता है कि राहुल गांधी पहले से ही तय था अध्यक्ष बनना उनका? नहीं, राहुल गांधी जी को आज हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता नेता चुनेंगे और उनका क्यों नॉमिनेशन एक ही है उनका और वही अध्यक्ष रहेंगे। आना था राहुल जी को बहुत पहले आना था। नहीं, जो डायनेस्टी पॉलिटिक्स की ये तो पूरे परिवार में ही सत्ता रहेगी, वही अध्यक्ष बनेंगे, ये सब परिवार की कोई बात ऐसा नहीं है। पहले डेलीगेट्स बनाए हैं, डेलीगेट्स सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया, दिखावा है ये तो। नहीं नहीं, मेहनत करने वालों को बनाते हैं, काम किया उन्होंने, सभी चुनाव में काम किया, गुजरात में कितने दिन से चुनाव में काम कर रहे हैं, देख सकते हैं दूर दूर से कार्यकर्ता यहाँ पे आए हुए हैं और कार्यकर्ता कह रहे काम के आधार पर बनाया जा रहा है उनको अध्यक्ष। लेकिन अभी कल स्क्रूटनी होनी है और 11 तारीख को विड्रॉल है, उसके बाद तय होगा राहुल गांधी अध्यक्ष बनने को लेकर के। लेकिन यहाँ तमाम जमघट है, दूर दूर से लोग आए हुए हैं, पूरे देश भर के नेता लोग हैं। मनमोहन सिंह थोड़ी देर पहले बोले, जनार्दन द्विवेदी से मैंने बात की थी, जनार्दन द्विवेदी ने भी कहा कि नहीं, बहुत पहले उनको अध्यक्ष बनना था, लेकिन एक प्रोसेस है वो पूरी की जाएगी। जी जी बिल्कुल, अशोक आपके पास आते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। प्रियंका जी, इस पर कोई जानकारी आप देना चाहेंगी कि क्या सोनिया जी की तबीयत ठीक नहीं है इस वजह से वो नहीं आई, या फिर जैसा अशोक बता रहे हैं क्या जानबूझकर वंशवाद की राजनीति बहुत ज्यादा प्रकट ना हो इसीलिए दूरी बनाई गई है? मैं आपकी डिबेट सुन रही थी, डिबेट ज्वाइन करने से पहले आपने प्रियंका गांधी जी के ना होने पे भी सवाल उठ खड़े किए थे, अब आप उठ खड़े कर रहे हैं सोनिया गांधी जी को लेकर। अशोक सिंघल जी बार बार पोस्टर दिखा रहे हैं किस तरीके से उनको बधाइयाँ दी जा रही हैं। बधाइयाँ तो हम सभी देंगे, अगर 9000 डेलीगेट्स मिलकर यही चुनकर ला रहे हैं अध्यक्ष को तो हम सब बधाइयाँ देंगे और वो बधाई के पात्र भी बनते हैं। तो मैं तो आपको बार बार आपका ध्यान इस पर आकर्षित करना चाहूँगी कि आज जो हमारी चुनावी प्रक्रिया है उनके प्रपोजर कौन है, किन किन लोगों ने प्रपोज किया है, कितने लोग यहाँ पे खड़े हैं, कितना उत्साह का माहौल 24 अकबर रोड के बाहर बना हुआ है, 24 अकबर रोड के अंदर बना हुआ है, और हम बिल्कुल इस उम्मीद से और इस विश्वास से आगे जाकर अपने सारे चुनावी जो रण होने वाले हैं उसको हम लड़ेंगे। और मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया आपने प्रियंका जी, उनके कमान संभालने में लड़ेंगे पूरे सम्मान के साथ। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तो मैं उम्मीद सवाल आप फिर पूछेंगे? नहीं नहीं नहीं,
फिर आप मुझसे सवाल पूछेंगे ये नहीं नहीं देखिए आपके सवाल ऐसे हैं कि ये क्यों नहीं है वहां पे वो क्यों नहीं है वहां पर जो जो पीसीसी डेलीगेट्स हैं जो वोट की प्रक्रिया में शामिल होंगे वो सब वहां पर शामिल हैं और सोनिया गांधी जी का सवाल हो प्रियंका गांधी जी पे सवाल हो मुझे लगता है कहीं आपका ध्यान भटकाने का काम है आपको बार बार उसी सवाल पे लाने आकर अटक रही हैं कि परिवारवाद को लेकर अटक रही हैं हम यहाँ पर कह रहे हैं हमारे 9000 चुने हुए डेलीगेट्स उनको अध्यक्ष पद से चुनकर ला रहे हैं उसी के लिए हमें बिल्कुल खुशी का माहौल बनाकर रखा है बाहर भी अंदर भी आप सवाल उठ खड़े करें पोस्टर्स पे उठाएं उनकी होने ना होने पे उठाएं वो आपका आपका दायित्व है पर हमारा दायित्व है कि जो हमारी पार्टी की प्रक्रिया है उसका जवाब हम आपको देते रहे सोनिया गांधी जी पूर्व अध्यक्षा है उन पर सवाल पर इतना तिल मिलाना समझ नहीं आ रहा शायद जोड़ में या तो हमें हिसाब नहीं समझ में आ रहा है जो आपने बराबर मैं क्यों तिल मिलाऊंगी जरा कृपया सुनिए ना 90 नामांकन पत्र दाखिल हो रहे हैं 10-10 नाम हैं तो 900 हुए या 9000 हुए हो सकता है आपको ज्यादा जानकारी हो 9000 महासमिति के सदस्य भी नहीं होते तो 9000 सदस्य किस तरह बता रही है कृपया ये तो बता दीजिए राहुल के नामांकन पर बीजेपी ने इस बीच हमला बोला है और जीवीएल नरसिम्हा ने ये हमला करते हुए कहा है सवाल पूछेंगे तो जवाब एक सेकंड आ रही हूं आपके पीडी को सलाम करने को रहे तैयार अच्छा ये जीवीएल नरसिम्हा राव का घूम फिर कर बहस वहीं ले जाते हैं आप लोग सुधांशु त्रिवेदी जी मतलब आज वो अध्यक्ष बन रहे हैं एक ट्वीट के जरिए उन्होंने किया था अपने जो उनका घर में कुत्ता है पीडी उसका जिक्र किया था अब आज के दिन उसको घसीट कर फिर से लाने का क्या अर्थ है क्या मतलब है सुधांशु जी देखिए मैंने अभी यह बयान नहीं देखा है आपके सामने ही आ रहा तो जब तक मैंने इसके विषय में देखा नहीं तो मैं उस पर बहुत स्पष्ट रूप से कुछ बोलने की स्थिति में नहीं हूं परंतु मैं इतना जरूर कहूंगा कि कांग्रेस में जो कुछ हो रहा है उसमें कुछ नया तो हो नहीं रहा है पहले वो डिफैक्टो थे अब वो डिजोर हैं पहले सरकार भी पूरी उनके इशारे पे चलती थी संगठन उनकी इच्छा के अनुसार चलता था आज भी उनकी इच्छा के अनुसार चलेगा तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बड़ा भारी परिवर्तन हो रहा है या कोई एक नई चीज आ रही है और जहां तक भाई आप इस बात की कहेंगे वंशवाद की तो भाई राहुल गांधी जी के एक सेंटेंस का तो मैं भी समर्थन करूंगा कि ज्यादातर पार्टियों में यह समस्या आ गई है परंतु उसका उद्गम कहां है सारी की सारी गंगोत्री तो कांग्रेस में रही और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी ने आज अपना नामांकन पत्र भरने से पहले राजघाट जाकर महात्मा गांधी जी की समाधि के ऊपर श्रद्धा सुमन अर्पित किए तो मुझे लगता है कि महात्मा गांधी जी की जो एक लॉन्ग स्टैंडिंग इच्छा थी कि आजादी के बाद कांग्रेस को डिसबैंड कर देना चाहिए उनको समाप्त कर देना चाहिए और नए सिरे से भारत की राजनीति का उदय होना चाहिए संभवतः हो सकता है कि अब राहुल गांधी जी के ही करकमलों के द्वारा वह इच्छा भी पूर्ण हो क्योंकि मैं ये भी एक बात कहना चाहूंगा देखिए किसी भी चीज का प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन और प्रोसेस ऑफ डिवोल्यूशन का कॉज एंड इफेक्ट के सिद्धांत के अनुसार कॉज एक ही होता है कांग्रेस अपने को 132 साल पुरानी पार्टी कहती है 1885 में एक विदेशी व्यक्ति एओ ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी कांग्रेस पार्टी को श्रेय दे दीजिए ना सर कि आपको भी थोड़ा बहुत सिखा दिया अगर गंगोत्री वहां है तो गंगा में के माध्यम से इसके तिरोहित होने की प्रक्रिया भी पूर्ण जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी कांग्रेस में ही थे एक समय हम लोगों ने ना हमारा एक जितने नाम गिनाए गए अंजना जी एक हमारा अध्यक्ष बताइए जो किसी पूर्ववर्ती अध्यक्ष के परिवार का हो आप बता दीजिए अध्यक्ष नहीं लेकिन नेता तो आपकी पार्टी में भी अगली पीढ़ी के निकल रहे हैं जिसका पूर्ववर्ती परिवार का अध्यक्ष वसुंधरा राजे के सुपुत्र से लेकर सर देखिए किसी परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति को लोकतंत्र में इस आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता कि वो विधानसभा लोकसभा नहीं लड़ेगा ठीक है अब ये पैमाना हो गया है पहले आप किसी को बैन नहीं कर सकते ये तो कुछ कुछ वैसी बात है जैसे जब हम लोग इंजीनियरिंग पढ़ते थे सुनिए अंजना जी जब हम लोग इंजीनियरिंग पढ़ते थे तो कहा जाता था ये बीटेक करके लोग आईएएस में क्यों चले जाते हैं इस पर रोक लगनी चाहिए तो भाई आप रोक नहीं लगा सकते ना कि इंजीनियरिंग को मेडिकल करके कोई आईएएस बनी जाएगा वैसे ही सांसद बनना चुनाव लड़ना एक चीज है परंतु पूरी की पूरी पार्टी की अध्यक्षता हमारे यहां भी तमाम अध्यक्ष बने 50 साल से कम उम्र में अडवाणी जी जब बने अटल जी बने 43 साल की उम्र थी अमित शाह बने 49 साल की उम्र थी राजनाथ जी बने 53 साल की उम्र थी गडकरी जी बने 52 साल की उम्र थी पर कोई ये नहीं कह सकता साहब कि साहब ये तो उस परिवार में पैदा हुए थे इसलिए कम आयु में इनको बना दिया गया जब दीनदयाल उपाध्याय जी बने उनकी भी 40s में थी संघ परिवार का तो मान ही लीजिए वो भी एक पुत्र की तरह ही पालन होता है संघ में भी अपने परिवार की तरह ही माना जाता है संघ परिवार तो वह परिवार है जो अपना परिवार छोड़कर आए हुए परिव्राजकों का मैं परिवार जवाब दे दूं प्रियंका जी जवाब दीजिए
अरे राजनाथ सिंह जी ने कब अपना परिवार छोड़ा? राजनाथ सिंह जी ने कब अपना परिवार छोड़ा? वो तो बिल्कुल परिवार में लगे हुए हैं, उनके खुद के बेटे इलेक्शन लड़ चुके हैं, आप क्या बात कर रहे हैं त्रिवेदी जी। रही बात आलोक जी ने मुझसे सवाल पूछा 9000 डेलीगेट्स कहां से आ रहे हैं, तो बताती हूँ 2011 के सेंसस के मुताबिक देश में 5,564 ब्लॉक्स हैं, उसमें से हमारे डेलीगेट्स चुनकर आए हैं और सब डिस्ट्रिक्ट से भी हमारे डेलीगेट्स चुनकर आए हैं, तो करीब 9000 हमारे डेलीगेट्स हैं। देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी कांग्रेस मानी जाती है, वो मिस्ड कॉल पार्टी के मेंबर्स लोकतांत्रिक पार्टी के सदस्य नहीं माने जाते हैं। रही बात अभी तो ये बता रही थी, आपने मुझसे कहा अंजना जी कि मैं तिलमिला रही हूँ, तिलमिला तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रहे हैं, जिस तरीके से हमारे इतिहास लेकर बैठे हुए हैं, जरा अपना इतिहास बता दें, इनके अध्यक्षों ने इतने सारे अध्यक्ष बने से पहले, कितनों ने जीत की लहरें फैला दी पूरे देश में। चलिए तो मैं सारे सवाल लपेट कर अंदर बंद कर दूंगी, आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए प्रियंका चतुर्वेदी जी, आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, मैं सारे सवाल लपेट कर बंद कर दूंगी। मुझे राहुल गांधी की काबिलियत बता दीजिए, आज बता दीजिए कि क्यों वो इस देश के सबसे पुरानी पार्टी के अध्यक्ष बनने के एकमात्र उम्मीदवार है, बता दीजिए कि कौन सी चुनावी सफलता उनके अच्छा, सिर पर आज इस तरह से सिरमौर है कि आपको अपनी पार्टी का कोई और नेता उनके जितना काबिल नहीं दिखाई देता है, आज आपकी पार्टी में कोई भी नेता उस तरह से उभर कर आखिर क्यों नहीं आगे बढ़ने दिया जाता है, यह सवाल तो पूछने की इजाजत है ना लोकतंत्र में, जवाब दीजिए। काबिलियत सफलता नहीं, नहीं आपके पास सारी इजाजत है, इजाजत तो आपकी भारतीय जनता पार्टी पे अटक जाती है, इजाजत आपको कांग्रेस की तरफ से पूरी है, आप सवाल पूछेंगे, सवाल का जवाब दें, सर्टिफिकेट नहीं बहुत जरूरी है, मेरे सवाल का जवाब दें, सर्टिफिकेट नहीं, मैं सर्टिफिकेट तो आप बांटती फिरती हैं, वो मेरा मेरे सवाल का जवाब दें, सर्टिफिकेट नहीं प्रियंका चतुर्वेदी, वो मैं दूंगी सारे जवाब, मैं बिल्कुल जवाब दूंगी, सर्टिफिकेट आप बांटती हैं, फिर से रिक्वेस्ट करूंगी मेरी बात सुन लीजिए। रही बात राहुल गांधी जी के ऊपर, आपने सवाल उठ खड़ा किया, एक उनमें क्या ऐसी खूबी है, मैं बताती हूँ, जब से वो चुनाव प्रक्रिया में आए हैं और एमपी का चुनाव लड़े हैं और पार्टी संगठन से जुड़े हैं, तब हम उनके कार्यकाल में हम एक इलेक्शन भी जीते हैं और 25 राज्य चुनाव जीते हैं, और आप अब मुझे बता दीजिए अमित शाह जी में क्या ऐसी खूबी थी जो उनको चुना गया और उनको अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि वो तड़ीपार थे देश के और गुजरात से तड़ीपार किए गए थे, ये उनकी उपलब्धि थी, तो आप मुझे उनके सारे, राजनाथ सिंह जी क्यों चुने गए, राजनाथ सिंह जी ने जीत के झंडे लहरा दिए थे पूरी देश में, इनके एलके अडवाणी जी को क्यों दरखास्त किया गया, क्यों बर्खास्त किया गया, इसका आप मुझे जवाब दे दीजिए, आप इनसे पूछ लीजिए, फिर आप अपना कजिया किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, जवाब का वक्त ही नहीं और मिले जी, वरना जवाब तो बड़े, इनके एक चुनाव जीता है, कितने हारे ये तो गिनाए नहीं प्रियंका चतुर्वेदी, समय है क्या आपके पास, जल्दी से बोले, उसके बाद से प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है। ओके, देखिए मैं समझता हूँ कि भारत में कमोबेश सभी पॉलिटिकल पार्टीज आंतरिक लोकतंत्र विहीन है, वंशवाद परिवारवाद हर जगह है, कहीं पर एक परिवार का है कहीं संघ परिवार का है, इसमें कोई दो राय नहीं, यहाँ तक कि ममता बनर्जी से लेकर टीडीपी जिस पार्टी का नाम लीजिए भारत में सभी में वंशवाद परिवारवाद और आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब रही बात आपकी, देखिए अभी आलोक जी ने जिक्र किया आडवाणी जी का और बलराज मधोक का, कानपुर के सम्मेलन के बाद इवन भारतीय जनता पार्टी या इसके पूर्व अवतार जनसंघ में कभी डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं हुआ, आरएसएस जिसको चाहती है वही बनता उसको बनता है, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री तक वही बनते हैं, उत्तर प्रदेश इसका उदाहरण है, अशोक सिंगल, अशोक गहलोत जी आपके पास है, बात कीजिए उनसे जी, अंजना जी, अंजना अशोक गहलोत जी हैं जो आजकल राहुल के एक तरह से बहुत नजदीक हैं, उनकी टीम के हिस्सा हैं, गुजरात चुनाव के प्रभारी हैं और अभी नॉमिनेशन भरवा करके आ रहे हैं सीधे सीधा। अशोक जी, राहुल गांधी का नॉमिनेशन एक औपचारिकता है, अध्यक्ष ऑलरेडी लोग मान के ही चल रहे थे अध्यक्ष बनना तय है उनका, नहीं चुनाव पूरी प्रक्रिया में हो रहा है और सभी लोग सभी राज्यों से लोग आए हैं, नामांकन भर रहे हैं और उनका जीतना निश्चित है। अशोक जी, एक सवाल बड़ा ये है कि गुजरात के आप प्रभारी हैं, राहुल गांधी ने गुजरात में पूरी ताकत लगा दी है और आपको लगता है कि राहुल गांधी की गुजरात में हार और जीत राहुल गांधी के कद पर काफी असर डालेगी? देखिए, जो राहुल जी 2 महीने दौरे कर रहे हैं वहाँ के गुजरात के अंदर, वहाँ की आम जनता का जो प्यार, जो स्नेह, जो विश्वास मिला है, आशीर्वाद मिला है, वो देखने लायक है।
उसे बुखला करके प्रधानमंत्री जी टिप्पणी कर रहे कांग्रेस चुनाव के बारे में, जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री पद की गरिमा होती है, और मैं पूछना चाहूँगा प्रधानमंत्री मोदी जी से, अमित शाह जी से, क्या आपकी पार्टी में लोकतंत्र है? आरएसएस तय करता है कौन बनेगा अगला बीजेपी का अध्यक्ष, कौन बनेगा वो तय करते हैं, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, उनको क्या अधिकार ऐसी बातें करने का? लेकिन अशोक जी, यहाँ सोनिया गांधी नहीं आई है उनके इस मौके पर, क्या ये दिखाने की कोशिश है कि जो डायनेस्टी पॉलिटिक्स को लेकर सवाल उठता है कि माँ की सत्ता, पावर, कुर्सी बेटे को ट्रांसफर हो रही है, तो ये एक डिस्टेंस दिखाने की कोशिश है? कोई कोशिश नहीं है, उन्होंने साइन किए हैं। पहला जो प्रस्ताव हुआ है उसमें पहला साइन उन्हीं का है, तो ये बातें, इस प्रकार की बातों का कोई तुक नहीं है। आना नहीं आना कोई जरूरी नहीं होता, कई लोग नहीं आ पाएंगे, साइन कर दिए होंगे, आज नहीं आ पाएंगे, उससे क्या होगा? एक सवाल और है कि जिस तरीके से 2014 में हार हुई, उसके बाद लगातार राहुल गांधी दिखाई पड़ रहे हैं, कभी केदारनाथ मंदिर, और बीजेपी कह रही है कि गुजरात में सिर्फ मंदिर मंदिर जा रहे हैं। देखिए, गुजरात चुनाव का इंतजार की, आज भी टीका बड़ा सा लगा हुआ था के माथे पर, लोग गुजरात चुनाव के परिणाम का इंतजार कीजिए, बाद में राज्यों में चुनाव है, और 2019 का इंतजार कीजिए, 2019 के अंदर आने वाला वक्त बताएगा कि देश की जनता क्या फैसला करती है। एक सवाल और अशोक जी, पिछले चुनाव में जिस प्रकार मोदी 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 के नारे लगते थे, अभी कल देख लीजिए जो मीटिंग हो रही है, कुर्सी खाली पड़ी रह रही है। गुजरात चुनाव की हार के बुखलाट का परिणाम है कि आज मोदी जी को टिप्पणी करनी पड़ रही है। तो कितनी बड़ी चुनौती होगी राहुल गांधी के लिए? अध्यक्ष चुने जाएंगे वो 11 तारीख के बाद, शायद काउंटिंग से पहले उनको घोषित कर दिया जाएगा, तो अध्यक्ष रहते चुनाव अगर हार जाते हैं तो कितना बड़ा चैलेंज होगा, कितनी मुश्किलों का सामना करने का पार्टी के भीतर और बाहर? हार की बात ही मत करो, जीत की बात करो। राहुल गांधी के नेतृत्व में आने वाला वक्त सुनहरा होगा देश का और कांग्रेस पार्टी का, सब मिलकर काम करेंगे, और जो ओरा बना राहुल गांधी जी का गुजरात के अंदर, उससे हम अंदाज कर सकते हैं कि किस प्रकार की जनता में माहौल है। धन्यवाद हमसे बात करने के। ये थे अशोक गहलोत जी, जो साफ तौर से कह रहे हैं कि गुजरात चुनाव तो जीतेंगे और राहुल की अध्यक्षता में और ज्यादा कांग्रेस आगे बढ़ेगी। अंजना, बिल्कुल अशोक, आप बने रहिए वहां पर, जैसे ही कोई और दिग्गज नेता आता है फौरन आएंगे आपके पास। लेकिन उर्मिलेश जी, दरअसल देखिए, कांग्रेसी आज चुनाव नहीं चयन है, उनके लिए भाव विभोर होना समझ में आता है, लेकिन आप ये भी तो ध्यान रखेंगे, इस देश में लोकतंत्र की ताकत विपक्ष से होती है। हमने देखा है कि एक पार्टी किस तरह से सत्ता में इस तरह से आई है प्रचंड बहुमत के साथ, कि माना जा रहा है कि वो सर्वव्यापी और सर्व दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लोकतंत्र में विपक्ष को मजबूत होना पड़ेगा, वो विपक्ष अब किसके हाथ में दिखाई दे रहा है? राहुल गांधी के। तो उनकी काबिलियत, उनके नेतृत्व पर सवाल पूछना लाजमी है या नहीं है? इस बीच अमेठी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अमेठी में जबरदस्त जश्न है। अगर कांग्रेस पार्टी के नेता आज भाव विभोर होकर हर किसी पर चिल्लाने लगे जो राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल खड़े करे और कहे आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं, आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं, लेकिन ये हिंदुस्तान की बात है साहब, अगर विपक्ष कमजोर होगा, उसकी काबिलियत जो नेतृत्व की है वो नहीं होगी, क्षमता नहीं होगी, तो फिर 2019 तो और एक तरफा हो जाएगा। आपका वाजिब सवाल है, और जिस तरह से विपक्ष को वाइब्रेंट होना चाहिए, पीपल्स इश्यूज को टेकअप करना चाहिए। अब आप एक उदाहरण में, अभी अशोक गहलोत जी बोल रहे थे, मुझे हंसी आ रही थी कि गुजरात आप उनके हाथ से छीन लेंगे। अरे भाई, आप तो गोवा और मणिपुर में चुनाव जीत चुके थे और वो आपने, लेकिन जाने आपने दिया। सरेंडर कर, आई मीन आपके संगठन में इतनी क्षमता नहीं, आपके नेताओं में इतना स्किल नहीं कि आपसे छीन लिया बीजेपी ने। बीजेपी चुनाव हार चुकी थी, हाँ। तब भी आपके लोगों को उसने पटा करके और इधर उधर करके और अपनी सरकार बना ली। गोवा में जो सरकार खड़ी है आज बीजेपी की, वो डेमोक्रेटिक, आई मीन विल ऑफ द पीपल नहीं है। तो मैंने किया, भारत का लोकतंत्र, भारत का लोकतंत्र बहुत ही कंसिस्टेंट लोकतंत्र नहीं है, एक इवॉल्विंग लोकतंत्र है, हाँ। इसमें आपको स्किलफुल होना पड़ेगा। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता था, जो आपने वक्त नहीं दिया, देखिए आंतरिक लोकतंत्र की समस्या भारत की हर पार्टी में है, और हम तो आज देखते हैं, मुझे हंसी आती है कि जिस पार्टी को हम सबसे अलोकतांत्रिक कहते थे, हमारे प्रोफेसर, हमारे टीचर्स, हम लोग, सर आप हमें, हम मुझ पे, उसी में सर्वाधिक लोकतंत्र दिखाई देता है, वो है कम्युनिस्ट पार्टियां। मीडिया से, जी हाँ, मीडिया से मुखातिब होंगे राहुल गांधी। नामांकन दाखिल हो रहा है, कांग्रेस उपाध्यक्ष अब अध्यक्ष बनने वाले हैं। ताजपोशी की तैयारी के बाद जो जानकारी आ रही है, थोड़ी ही देर में मीडिया से मिलेंगे, क्या सवाल जवाब हो पाएगा इस पर रहेगी नजर। लेकिन कुछ ही देर पहले वो दिखे जब वो तस्वीरों के लिए बाहर आए थे, एक तरफ सुशील कुमार शिंदे और एक तरफ मनमोहन सिंह। शिवराज पाटिल इस वक्त हमारे सहयोगी अशोक सिंघल के साथ मौजूद हैं। अशोक, बात कीजिए उनसे। जी,
बिल्कुल अंजना, पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस के सीनियर लीडर शिवराज पाटिल जी हमारे साथ मौजूद हैं। वो अंदर से राहुल गांधी का नॉमिनेशन फाइल करवा के सीधा मीडिया से बात करने के लिए बाहर आए हैं। शिवराज जी, तमाम सवाल उठ रहे हैं कि राहुल गांधी को अध्यक्ष तो बनना ही था, सब ये दिखावा क्यों औपचारिकता है? वो तो पहले से अध्यक्ष का काम कर रहे थे एक तरह से। आप ये चाहते हैं कि इलेक्शन का प्रोसेस भी शुरू नहीं किया जाए और नॉमिनेशन किया जाए, ऐसा तो आप नहीं कह रहे ना? एक औपचारिकता है आप मानते हैं, क्योंकि यहाँ होर्डिंग्स लगे हुए हैं, राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर हार्दिक शुभकामनाएं। मैं स्पीकर बना और मेरे खिलाफ किसी ने फॉर्म नहीं दिया, तो मैं यूनानिमसली स्पीकर बन के बैठा। तो आप बोलेंगे कि मुझे नॉमिनेट किया गया, मेरा इलेक्शन नहीं हुआ। बीजेपी तमाम सवाल ये कर रही है कि ये तो डायनेस्टी पॉलिटिक्स है, रहना राहुल गांधी को ही बनना था। बीजेपी सवाल कर रही है तो बीजेपी को करने दो, आप जो आपको लगता है सही हो आपको बता दीजिए। आप बोलते हैं कि ये भी नहीं करना चाहिए थे, आप नहीं करते तो बोलते कि इतना भी नहीं किया आपने। तो सोनिया गांधी आज क्यों नहीं आई? तबीयत खराब है क्या, और वजह है क्या, ये दिखाने की कोशिश है? क्या जरूरत है सोनिया गांधी को, हम सब लोग तो बोल रहे हैं, उन्हीं की तरफ से तो बोल रहे हैं। शिवराज जी, एक बड़ा सवाल है, आपने सोनिया गांधी के साथ काफी दिन काम किया, उनके वक्त में आप देश के गृहमंत्री रहे, राहुल गांधी की कार्यशैली आपने देखी, दोनों की कार्यशैली में कोई फर्क देखते हैं आप? देखो, ऐसा है कि हर पीढ़ी के काम में थोड़ा सा फर्क जरूर होता है, मगर जिस फैमिली में बच्चे बढ़ते हैं या जिस माहौल में आप हम सब लोग बढ़ते हैं, उनके ऊपर उस माहौल का भी असर जरूर होता है। और पूरी तरह से वो नया ला रहे हैं और पूरी तरह से पुराना छोड़ दे रहे हैं, ऐसा कभी भी नहीं होता। नई चोट तो आएगी ही, मगर अच्छी पुरानी चीज भी उसके साथ रहेगी और दोनों को मिलाकर जो काम किया। एक सवाल कांग्रेस पार्टी के कई नेता उठाते रहे हैं कि अमित शाह और मोदी को लेकर के जो जांच होती रही, आप जब गृहमंत्री रहे उस वक्त में काफी जांच हुई, उसमें कोई ठोस फैसला आपने नहीं किया? हमने तो जांच नहीं होने दी, हम लोगों तो इनको तो जेल में डालो ये करो बोल के हमको बोलते थे। हम बोले कि हम नहीं करेंगे, हमारे पास एविडेंस रहे बराबर। अगर वहाँ के पुलिस वालों ने, अगर वहाँ के इसने कोई का केस उनके ऊपर चालू किए है तो वो उनका सवाल। एक आखिरी सवाल, चलते चलते छोटा सा जवाब, क्या सीनियर्स में डर है? सीनियर्स में डर है राहुल गांधी यंग टीम बनाए? क्यों डर होना चाहिए? ये तो हम जो सीनियर हैं वो हमेशा के लिए तो नहीं रह सकते, जूनियर को तो आना ही पड़ेगा। ये जो चक्र है वो चलता ही रहेगा, जूनियर पर्दे के पीछे जाएंगे, जूनियर आगे आएंगे और काम चलते रहेगा। ये थे शिवराज पाटिल जी, जो साफ तौर से कहते कि नई टीम जरूर बनेगी राहुल गांधी की, लेकिन कुछ जो सीनियर हैं उनका एक अनुभव भी रहेगा। सीनियर पर्दे के पीछे जाएंगे और युवा पर्दे के आगे आएंगे, और उसी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करते हुए राहुल गांधी की तस्वीरें आप देख रहे हैं लगातार, अमेठी से ढोल नगाड़े की भी तस्वीर है, और इन सब के बीच अब शाहनवाज हुसैन साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, और रागिनी नायक जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गई हैं। लेकिन इससे पहले कि एक बार फिर से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो, आलोक मेहता जी और उर्मिलेश जी हमारे साथ हैं, आइए आपको सुना देते हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से लेकर कई दिग्गज नेता जो यहां पर पहुंचे, शुभकामनाएं देते नजर आए राहुल को। Just now filed the nomination papers of Shri Rahul Gandhi as the next president of the Congress Party. Rahul Ji has been the darling of the Congress men and Congress women, and this is yet another step in his quest for serving the people through the Congress Party as a chosen vehicle. Congress President Shrimati Sonia Gandhi has served the Congress Party and through the Congress Party the country for the last 19 years. This is yet another step forward in that direction, where Rahul Gandhi will carry on the great traditions of the Congress Party. जैसे नई सुबह, नए सृजन, नई उमंग, नई तरंग के साथ आती है, यहां भी एक नया सूर्य उदय हुआ है। राहुल भाई खास है, देश और कांग्रेस का विश्वास है। राहुल भाई जीता जागता इतिहास है। लीडर वो होता है जो कमजोरी को ताकत में तब्दील कर दे, राह की बाधा को सफलता की सीढ़ी बना दे, हार को जीत में तब्दील कर दे। लीडर कन्वर्ट्स वीकनेस इंटू स्ट्रेंथ,
obstacles into stepping stones and disaster into triumph. Aur sabse badi baat hai, men of genius are admired, men of power are feared, but men of character are trusted. Vishwas wahan hota hai jahan kirdaar hota hai, khandaniyat hoti hai. राजनीति का भी क्या रूप होता है. एक वक्त पर बीजेपी को अपनी मां कहते थे सिद्धू और आज राहुल गांधी के नाम का जाप करते हुए नजर आ रहे हैं. बहरहाल सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए जिनके साथ हम चर्चा कर रहे हैं. अब शाहनवाज हुसैन जी, आज तो बधाई दे दीजिए, उनके लिए बड़ा दिन है. आप हर दिन कुछ ना कुछ बुराई ही राहुल गांधी की निकालेंगे या आज कम से कम जश्न में शामिल होंगे और कहेंगे चलिए सबसे बड़ी पार्टी ने जो तय प्रक्रिया है उसी से वो चुनाव कर रहे हैं राहुल गांधी का. नहीं रंजना जी, आपका जवाब जो सवाल है वो लोडेड है. आपका सवाल ये इजाजत नहीं देता, जैसे कांग्रेस में ये इजाजत नहीं है कि नेहरू गांधी फैमिली के अलावा कोई अध्यक्ष हो सकता. आपका सवाल भी मेरा जवाब आपके सवालों को शर्मिंदा करेगा. इसलिए मैं इस, आप मुझे कह रही हैं बधाई दे दीजिए, आप कह रही हैं जश्न में शामिल हो जाइए, तो मैं आपकी बात को इनकार करूं या इकरार करूं, ये बड़ी दिक्कत है. ये सही है कि कांग्रेस पार्टी उनकी पार्टी है, सोनिया जी राहुल जी की पार्टी है, उस पार्टी में वही अध्यक्ष बनेंगे, उसमें कहाँ कोई शक की गुंजाइश है. लेकिन ये सही है कि पहले कांग्रेस में चुनाव होते थे और अब चुनाव नहीं हो रहे, वो उपाध्यक्ष से अध्यक्ष बन रहे हैं. जब उपाध्यक्ष बने थे तब भी अध्यक्ष से कम ताकतवर नहीं थे, हम उनकी ताकत को कम करके कभी नहीं देखा. हमने मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी में उपाध्यक्ष रहते भी सारे निर्णय, यूपी के निर्णय, अखिलेश यादव जी के साथ जाना, वो मनमोहन सिंह जी के डिसीजन को उपाध्यक्ष रहते ही उन्होंने फाड़ कर फेंक दिया था. बड़े ताकतवर व्यक्ति हैं कांग्रेस के अंदर वो, इसमें हम मुझे कभी कोई शक और शंका मुझे व्यक्तिगत तौर पर नहीं रही है. आज वो अध्यक्ष बने हैं क्योंकि कांग्रेस के कई प्रवक्ताओं ने टेलीविजन अंजना जी में जवाब दे दिसंबर जी, से पहले चुनाव आयोग को लिख कर दिया है कि उनको बनना है. हाँ, तो मैं समझ रहा था कि ये 20 दिसंबर को बनेंगे. हाँ, लेकिन गुजरात के रिजल्ट के बाद कुछ गुजरात के रिजल्ट पर भरोसा नहीं है, पीड़ा है वो पहले ही बन रहे हैं क्योंकि अगर गुजरात का रिजल्ट आता तो लोग कहते यूपी में कमाल है. तो इसलिए पहले बन इलेक्शन नहीं सिलेक्शन है. देखिए चुनाव नहीं चयन है. देखिए प्रवक्ता है छटपटाहट. छटपटाहट क्या होता है रागिनी जी? ये शब्द बड़ा कड़ा है जो आपने मेरे लिए, मैंने तो इतने सारे शब्द का उपयोग भी नहीं किया आपके लिए. जवाब तो दे दूं. आपने हमें घबराहट, छटपटाहट. राहुल गांधी जी कांग्रेस मुक्त भारत में लगे, उनके लिए हम क्यों छटपटाएंगे? भाव को समझिए. आप बनती तो जरूर छटपटाहट. आडंबर और आवरण में ही पड़े रहेंगे. सतही राजनीति छोड़िए, गहराई आप तो पर बहुत पढ़ी लिखी प्रवक्ता गहराई को समझिए. अंजना जी की बात का मैं जवाब दे दूं. शब्द अरे बोलिए तो दीजिए. कठोर सर आडंबर निकाल के लाती है, छटपटाहट लाती है. अंजना जी क्या छटपटाहट है? जल्दी क्यों बन रहे हैं? जी जी, अब ये अंजना जी को तय करने दीजिए कौन कितने देर बोलेगा. हाँ नहीं, शाहनवाज जी आपने अपने आरोप लगा दिए हैं, इस पर जवाब दीजिएगा कि गुजरात के नतीजों का इंतजार क्यों नहीं किया, उससे पहले क्यों? ठीक है, ये सवाल है उनका. मैं सुनिए, मैं नहीं नहीं मेरा कोई सवाल, मैं जवाब दे दूं. वर्षों तक देश में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, राहुल आए कुछ और निखर, सौभाग्य न हर दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है. इस देश में जनमुखी राजनीति करने वाला अगर कोई एक नेता है, सरल सीधी सच्ची राजनीति करने वाला, तो वो राहुल गांधी है. और अब राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने के बाद न सिर्फ कांग्रेस का बल्कि इस देश का भी दोबारा से भाग्योदय होगा, ऐसा मेरा मानना है. इस पूरे देश के हर कांग्रेसी नेता का, हर कांग्रेसी कार्यकर्ता का मानना है. शहनवाज जी ने जो सवाल पूछा पहले, तो उसके जवाब उन्हें खुद देना चाहिए कि कब अमित शाह जी का चुनाव के जरिए चयन हुआ, ये बता दें. पहले अटल आडवाणी जी चुनते थे, नियुक्त करते थे लोगों को, अब मोदी जी कर रहे हैं. या ज्यादा होता है तो संघ परिवार बीच में आ जाता है. कांग्रेस पार्टी 132 साल से अपनी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत चुनाव कराती है. कभी वोटिंग देते हैं डेलीगेट्स, कभी समर्थन देते हैं. मैं भी दिल्ली से डेलीगेट हूं और यही प्रक्रिया हमारी रही है.
राहुल गांधी आप पूछ लोग सवाल पूछ रहे हैं, मैं तो कहती हूं कि जब नरेंद्र मोदी जी एसी कमरे में बैठ के रेडियो के जरिए अपने मन की बात कह रहे थे लोगों के मन की पीड़ा जानने के बजाय, तो तब वही समय था जब राहुल गांधी देश में आरटीआई, माफ कीजिए, राहुल गांधी उस समय आदिवासियों के लिए जो उनकी जमीन है उसकी लड़ाई लड़ रहे थे, जो आप लोगों ने अध्यादेश के जरिए भूमि अधिग्रहण करने की कोशिश की उसकी लड़ाई लड़ रहे थे, कहीं झुग्गी वालों के साथ खड़े थे, कहीं कर्मचारियों को उनका जो सैलरी है ना मिलने के लिए खड़े हुए थे, एजुकेशन लेकर आने में राहुल जी की बड़ी भूमिका रही। शाहनवाज जी, जी जी देखिए, ये बता रही हैं कि राहुल जी का उदय हो रहा है, काश इनका उदय पहले होता, यूपी के चुनाव से पहले, तब उदय नहीं था, तब वो अस्त नहीं थे, तब भी उदय था, कांग्रेस की कमान तब भी थी, उन्हीं के नेतृत्व में तो लगातार हार का रिकॉर्ड सारा है। मैं इस पे उनके अध्यक्ष बनने पर कोई सवाल नहीं उठा रहा, वो अध्यक्ष बने उनकी पार्टी है, लालू जी की पार्टी में लालू जी अध्यक्ष होंगे, कांग्रेस पार्टी में सोनिया जी के बाद राहुल जी अध्यक्ष होंगे, इसमें कहां कोई शक्ति गुंजाइश है, इसमें ये बीजेपी थोड़ी है कि कोई राजनाथ सिंह जी बनेंगे, कोई नितिन गडकरी बनेंगे, कोई वेंकैया नायडू बनेंगे, ये बीजेपी में ही संभव है। कांग्रेस में पिछले 60 साल में 44 पिछले 50 साल में 44 साल तो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 19 साल तक माननीय सोनिया जी अध्यक्ष रही है, अब राहुल जी बने हैं 20-25 साल ये भी अध्यक्ष रहेंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन उनके उपाध्यक्ष शब्द सोच बातें सब अब दोहराई जा रही है दोनों पार्टियों की तरफ से। मिले जी, मेरा एक सिंपल सा सवाल, परफॉर्म नहीं कर पाए, सबसे काबिल कांग्रेसी नेता राहुल गांधी है? नहीं, देखिए इसमें मैं ये कहूंगा कि राहुल गांधी का कांग्रेस अध्यक्ष बनना सिर्फ और सिर्फ एक बात को रेखांकित करता है कि आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी को यूनाइट रखना, उसको आगे ले जाने की संभावना को सुनिश्चित करना, ये शायद जो पार्टी के नेता हैं, जो डेलीगेट हैं, उनको ये लगता है कि नेहरू गांधी खानदान से बाहर के किसी व्यक्ति से ये संभव नहीं होगा, इसलिए राहुल गांधी को वो लोग चुन रहे हैं। ये उनका सवाल का जवाब है, एक सेकेंड, ये उन लोगों का फैसला है। अब मेरा ये कहना है कि भारत में ज्यादातर राजनीतिक पार्टियां, उनमें आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, इंक्लूडिंग भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ममता बनर्जी, टीडीपी, जिस पार्टी का भी नाम लीजिए, उसमें जो यूरोपियन ट्रेडिशन ऑफ डेमोक्रेसी है उस तरह के आंतरिक लोकतंत्र का भाव दिखता है जो ब्रिटेन की पार्टी में या इवन ग्रीस की पार्टी में या फ्रांस या जर्मनी की पार्टी में होता है। अब जो मैं कह रहा हूं आपसे, जरा काइंडली सुन लीजिए कि संघ परिवार ही बीजेपी में सब कुछ तय करता है। आज के दिनों में राहुल गांधी बनने वाले हैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, नामांकन दाखिल किया जा रहा है, कई सेट होने हैं, 90 सेट, 10 प्रस्तावक हर में। इस बीच कांग्रेस पार्टी के ही नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया से बात की हमारे सहयोगी ने, सुनिए क्या कहे। प्रधानमंत्री जी की यह आदत ही है कि दूसरे दलों और दूसरे पक्षों के जो भी मुद्दे हैं उन पर अपनी टिप्पणी देना। कांग्रेस पार्टी एक ही पार्टी है पूरे देश में जहां 9000 ब्लॉकों के डेलीगेट्स के आधार पर चुनाव किए जाते हैं, जो चुनाव आयोग की नियम है उस नियम के आधार पर, उसी टाइम टेबल के आधार पर चुनाव स्पष्ट रूप से किए जाते हैं, और इस चुनाव में जो भी व्यक्ति लड़ना चाहता है उसे हम वेलकम करते हैं, उसका स्वागत करते हैं, और ये एक प्रजातंत्र की प्रक्रिया के आधार पर किया जाता है। तो आज जब नामांकन भरा जा रहा है राहुल जी के द्वारा, अगले 3-4 दिन में सबको साफ हो जाएगा कि कांग्रेस का कौन अध्यक्ष होने वाला है, और हमें पूरा विश्वास है कि राहुल जी के नेतृत्व में केवल पार्टी के लिए नहीं लेकिन देश के लिए एक नई दिशा हम लोगों को मिलेगी, एक नई दिशा मिलेगी कह रहे हैं ज्योतिरादित्य। हालांकि कई दिनों से कमान तो राहुल गांधी के ही हाथ में था, फौरन लौट रहे हैं। बड़ी खबर पर नजर बनी हुई है, देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।